नमस्कार, टीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम रंगारंग होली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि होली आनंद और रंगों का उत्सव है, ये वैर भुलाने का भी उत्सव है और एक दूसरे के साथ गले मिलने का भी उत्सव है। लेकिन आजकल कोरोना और लॉकडाउन के कारण तमाम पाबंदियां हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप खुले तौर पर सड़कों पर निकलकर आप आनंद का उत्सव रंगारंग होली नहीं मना सकते हैं। इसलिए टीवी वन इंडिया ने खास पेशकश आपके लिए तैयार की है, ताकि आप अपने घरों में रहकर भी होली का वही आनंद, वही संस्कृति का आनंद, वही संस्कारों का आपका आनंद आप उठा सकें। इस वक्त हमारे साथ जो कलाकार हैं, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे बिल्कुल जो दाहिनी तरफ बैठे हैं, ये हैं अनिल चौधरी जी, आप जो हारमोनियम पर आपको संगत दे रहे हैं, और उनके ठीक बगल में है ब्रजेश राय साहब जो मशहूर गायक हैं, भजन गायक हैं और लोक संगीत में निपुण हैं। उनके बिल्कुल ठीक बगल में है श्री कमलेश पांडे साहब जो भजन गायक हैं और लोक संगीत में निपुण हैं। इसके साथ ही आप ढोलक पर जिनको आप देख रहे हैं श्री अंजनी तिवारी जी हैं जो हमारा साथ देंगे, और उनके बिल्कुल ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये हैं वरिष्ठ समाज सेवी मार्कंडे हरिओम जी जो इस पूरे रंगारंग होली कार्यक्रम को हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ जो आप पीछे देख रहे हैं वो है जय कृष्ण तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवक और जय अंबे मित्र मंडल के पदाधिकारी हैं। उनके ठीक जो बिल्कुल पीछे दिख रहे हैं वो है कमर अली चौधरी जी जो जय अंबे मित्र मंडल से जुड़े हुए हैं और नवीनबाई के वरिष्ठ समाज सेवक हैं जो इस रंगारंग होली कार्यक्रम को सपोर्ट करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो मंडली है ये जय माता जी भजन मंडली ऐरोली नवीनबाई की भजन मंडली है, जो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर नवीनबाई में और उपनगरों में जाकर भजन और लोक संगीत सुनाती रही है, बेहद मशहूर है। हम चाहते हैं कि आप इसकी शुरुआत करिए और इस रंगारंग होली का वो एहसास कराइए जो उत्तर भारत में जो होली चलती है जब सब लोग गीत और संगीत में सराबोर हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सामने मैं ब्रजेश राय टीवी वन इंडिया के माध्यम से आप सभी को इस त्योहार पर जो पुरानी परंपरा है होली गीत की, जो विधा है, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सामने परोसने की और आप सभी इसका आनंद लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। भोजपुरी समाज में होली को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है और बड़े भाव से लोग गाते हैं। क्या अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, I'm gonna make it happen.
रघुवीरा, रघुवीरा मतलब भगवान राम। देखिए अयोध्या से होली की शुरुआत त्रेता काल में ये होली की शुरुआत हुई थी और ऐसी होली चलते चलते द्वापर युग में भी हुई। तो ये होली का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो पौराणिक महत्व है, वो पिछले कई युगों से चलता आ रहा है। जैसे अवध में होली चलती थी, उसी तरह की रंगारंग होली ब्रिज में भी चलती थी, मधुबन में चलती थी और मथुरा में चलती थी। अब हम चाहेंगे कि अब जैसे अवध की होली का आपने यहाँ पर वो दर्शन कराया है, वैसे ही अब ब्रिज की होली की तरफ जरा चलते हैं कि वहां पर किस तरह की होली खेली जाती है। जी बिल्कुल, तो आइए चलते हैं ब्रिज की ओर। और कहना है कि आजा मेरे श्याम, आजा मेरे श्याम, होली खेले राधा जी के साथ। और भगवान कन्हैया माँ राधा जी के साथ कैसे होली खेलते हैं मैं अब बयां करना चाहूंगा आप सभी को, लेकिन देखिए भाव है कि आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे
आज ब्रज में होली रे रसिया। सोचिए जब इस गीत से इतना आनंद मिल रहा है तो जो लोग वृंदावन में और मथुरा में और गोकुल में जिन लोगों ने होली भगवान कृष्ण के साथ स्वयं खेली होगी उन गोपियों की क्या हालत हो रही होगी। कितना संगीत में कितनी मधुरता है, कितना आनंद है, कितना उत्साह है, और ये आनंद और उत्साह इसी तरह से और निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं चाहता हूँ कि अगले गाने की तरफ हम अगले लोक संगीत की ओर बढ़ते हैं। आइए आप सभी के बीच में हमारे साथ कमलेश पांडे जी हैं और इनकी आवाज को सुना जाए। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, के बीच में अनिल चौधरी जी जो बस्ती से बिलोंग करते हैं और इनकी जो फागुन की कला है
होली गीत की कला है कुछ अलग है। आइए हम सुनते हैं इन्हीं की आवाज में, अनिल चौधरी जी। जैसे यहाँ पे सारी औरतें इकट्ठा होती है, एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं, वैसे स्वर्ग लोक में तीनों देवियां बैठी हुई हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। तो उसमें हाल चाल होता है तो पार्वती जी पूछती हैं, अरे कहीं देखे हो हमरे भोला के? कैसे? तो कैसे पूछ रही हैं? अरे कहीं देख लो हो यार, कहीं देख लो हो यार, अरे बलम बहुर बाबा के, कहीं देख लो हो यार, कहीं देख लो हो यार, बलम बहुर बाबा के, कहीं देख लो हो यार, कहीं देख लो हो यार, बलम बहुर हमरा बालम बहुर हवा के, हमरा बालम
अनिल चौधरी जी, कुछ होली गीत की जो व्यथा है वो अलग तरीके से गाना चाह रहे हैं अपनी आवाज़ में, और वो विरह उस चीज़ की है कि फागुन का महीना है और गौना मेहरारू के मंगावे के बाद वही आवाज़ में लड़का फ़ोन पे अपने मेहरारू से का कहा था।
महीना में जिस तरह से किसान की खेती लहलहाती है, उसी तरह आज इस फागुन के महीने में आप सभी के सामने संगीत पेश करना चाहूँगा, परोसना चाहूँगा। वो संगीत है इस तरह से कि बोलो सारा रा रा, ओ बोलो सारा रा रा, 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 अरे फागुन के आई बहार हो, अरे फागुन के आई बहार हो, बोलो सारा रा रा, अरे फागुन के आई बहार हो, बोलो सारा रा रा, अरे फागुन के आई बहार हो।
अरे असो के ना होली भूलैया बलम फगुआ में घर चली चली आ रे यार सो के होली
Thank you.
आपने खुद भी देखा होगा कि किस तरह से उत्तर भारत के लोक गीतों में आनंद कितना है और होली उसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि होली पर हर कोई गीत संगीत और रंगों में रंग जाता है। यह त्योहार ही ऐसा है कि व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है, वो संगीत में खो जाता है, एकरूपता में खो जाता है और यही भारत की समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों आप सुन रहे हैं टीवी वन इंडिया का रंगारंग कार्यक्रम होली महोत्सव और आज जो हमारे कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं जय माता जी भजन और संगीत मंडली ऐरोली नवीबई की है। इसमें मैं फिर से आपको अपने कलाकारों से परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे बिल्कुल जो दाहिनी तरफ बैठे अनिल चौधरी जी हारमोनियम पर जो संगत कर रहे हैं, उनके बिल्कुल ठीक बगल में ब्रजेश राय जी जो मशहूर गायक हैं, उनके बिल्कुल ठीक बगल में कमलेश पांडे जी और आखिर में जो ढोलक पर संगत दे रहे हैं वो अंजनी तिवारी जी। आप सभी कलाकारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस तरह से जो उत्तर भारत की जो मशहूर परंपरा है होली की उसको आप हमारे दर्शकों के लिए आप सीधे प्रस्तुत कर रहे हैं। तोरा बिन एक क्षण लागे नहीं मनवा सजनवा घर Thank you.
भोजपुरी का लोकगीत है जो खासकर होली में उस वक्त गाया जाता है कि जब कोई प्रियतमा का पति जो है परदेश में है और वो अपने गांव उसे बुलाना चाहती है। तो यही भोजपुरी की खासियत है, यही ब्रज की खासियत है, क्योंकि वह उत्तर भारत में इतना प्रचलित है कि जब होली आती है तो वो विरह जो है उभर आता है, और इसीलिए ये जो नायिका है वो अपने पति को अपने गाँव बुलाना चाहती है। मैं आपको एक चीज इसके साथ साथ और बता दूं कि ये होली जो है सिर्फ भोजपुरी तक और लोक संगीत तक ही सिमटी नहीं रही, यह फिल्मों तक भी चली। तमाम ऐसी फिल्में बनी है जिसमें होली गीत को बहुत ही प्रमुखता दी गई है। कई फिल्मों को आप खुद भी जानते होंगे, उसमें भी वही आनंद, वही उत्साह और वही रंग जो है झलकता है, जो मिलन और विरह का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा उस दिशा में भी जाएं कि कोई ऐसा गीत सुनाए जो फिल्मों में बड़ा लोकप्रिय रहा है और होली का वर्णन करता हो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। Thank you.
खूब मशहूर रहा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, लेकिन ये परंपरा कहाँ से आई? ये परंपरा ब्रिज से दिखती है आते हुए, ये परंपरा आती है मथुरा से, ये परंपरा आती है वृंदावन से, और ये परंपरा आई है होली की अवध से, अयोध्या से, जहाँ राम और कृष्ण होली खेला करते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि ये भगवान से एकाकार हो जाने का भी त्योहार है। ये हजार जो रंग दिखते हैं वो रंग इसलिए हम एक दूसरे पर लगाते हैं ताकि हम भूल जाएं कि हमारा अपना रंग कौन सा है, हम एक हो जाएं। होली इसीलिए मिलन का त्योहार माना जाता है। आनंद के साथ साथ एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसे अच्छा हो जाए, हमारे वैर कैसे मिट जाए, हमारी दुश्मनी कैसे मिट जाए, इसका भी एक बहुत बड़ा संकेत होली में दिखता है। होली इस बात का भी प्रतीक है कि अब जितनी भी बुराइयां हमारे हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, वो बुराइयों का अंत हो जाए। इसीलिए इसको कहा गया होली, मतलब अब हो लिया जितना होना था, और इसीलिए इसे सम्मिलन का, समरसता का प्रतीक कहा गया है। ये होली इस तरह से हमारे संस्कारों से परंपराओं में बनती हुई आज नए दौर तक पहुंची है। जैसा कि हम इस वक्त मुंबई महानगर में हैं, और ये जो पर्व त्योहार है होली का, ये उत्तर भारत का मशहूर पर्व है। हम इस कार्यक्रम के जरिए, टीवी और इंडिया के इस रंग उत्सव के जरिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर अपने गाँव से दूर बसे हुए उत्तर भारतीय समाज जो है किस तरह से अपने संस्कृति और परंपराओं को कैसे इस महानगर में भी कैसे जतन कर रहा है, और ये जय माता भजन मंडल, भजन और संगीत मंडली किस तरह से उन संस्कारों को, उन गीतों को, उन लोकगीतों को, उनको किस तरह से आपके बीच में प्रस्तुत कर रही है, वो आपको एहसास दिलाने की हमारी कोशिश है। आपको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को याद एक बार फिर से ताजी हो उठे, और नई पीढ़ी भी इस बात को समझ सके कि हमारा होली का त्यौहार कितना खूबसूरत है। इस कार्यक्रम को और आगे की तरफ ले जाने के लिए मैं फिर से आप कलाकारों की तरफ मैं आग्रह करता हूँ कि इसे और भी नई बुलंदी की मंजिल। जसुदा कुंवर नंदलाल बिरज में खेलत होली, जसुदा कुंवर नंदलाल बिरज में खेलत होली, जसुदा कुंवर नंदलाल।
धनी रखत जात जट Oh,
दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण टीवी वन इंडिया का रंग उत्सव होली। हमारे साथ जो कलाकार मंडली है वो जय माता जी भजन और संगीत मंडली ऐरोली मुंबई से है, जिनके कलाकारों को आप सीधे लाइव प्रसारण में देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको उत्तर भारत की रंगारंग होली जो परंपरा है उसका हम दर्शन कराएं, गीतों के जरिए संगीत के जरिए दिखाने की कोशिश करें कि आपको एहसास हो कि वाकई आप मुंबई महानगर में नहीं है बल्कि आप उसी अपने गांव देश और वहां के परंपराओं का आप अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आखिर में इस कार्यक्रम के आखिर में जो उत्तर भारत का मशहूर गीत है जोगीरा सारा रारा वो आप सुनाए और इस कार्यक्रम को हम अपने दर्शकों के लिए आखिरी विदाई के तौर पर यह गीत हम प्रस्तुत करें। Oh,
प्रसारण इस तरह से होली के रंगारंग गीतों के जरिए आपके सामने पेश किया। हमको उम्मीद है कि आपको ये जो होली का कार्यक्रम है, जो रंगारंग गीत और संगीत का कार्यक्रम, आपको बेहद पसंद आया होगा। हम आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुंबई महानगर में रहकर भी आप अपने उत्तर भारत की जो कला, संस्कृति और संगीत है, उसका आपको अनुभव हो, उससे आप जुड़े। और इस होली पर जैसा कि सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई है कि आप सड़कों पर न जाएं, मास्क और दूसरे जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी गाइडलाइन के साथ जो हमने आज आपके लिए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसका आप भरपूर आनंद लेंगे और होली को सुरक्षा के बीच मनाएंगे। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। हम अपने कलाकारों को दोबारा एक बार धन्यवाद देते हैं आपके लिए इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। जय माता जी भजन और संगीत मंडली आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही। मैं आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ इस संदेश के साथ कि आप सुरक्षा के बीच अपनी होली मनाइए और दिशा निर्देश जो है उसका पालन करिए। आप घर में अपने परंपरा को पालन करिए, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर होली मनाइए, लेकिन सुरक्षा दायरे के बीच में। आपको दोबारा एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।